विंटर्स आ चुके हैं और हमें गर्मी चाहिए, वार्म्थ चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया तरीका है सूप से लेने का। तो आज मैं सूप बना रही हूँ, हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप। ये सूप मैं आपको पैनासोनिक राइस कुकर में बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से राइस कुकर में बन जाता है। राइस कुकर में बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती है, आज मैं आपको उसमें सूप बना के दिखाती हूँ। हेल्दी और डिलीशियस सूप तैयार करेंगे हम, और घर भर का फेवरेट जो आएगा शाम को आप या डिनर में जब लाइट लेना चाहते हो तो आप इस तरह के सूप तैयार करें, क्रूटॉन्स तैयार करें और बढ़िया सा डिनर लाइट आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ हॉट एंड सार सूप राइस कुकर में मैंने कैसे तैयार किया है। आपको जो पसंद हो वेजिटेबल्स आप वो ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। फूल गोभी ली है, कॉलीफ्लावर, पीली लाल हरी शिमला मिर्च है, गाजर है, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन है और उसी का ये व्हाइट है। हरी मिर्च एक ली है जिसको बहुत बारीक बारीक चॉप किया, लहसुन चार लिए हैं मैंने जिसको बहुत बारीक कर लिया है, और यहीं पे अदरक है 2 इंच का टुकड़ा उसको भी बहुत बारीक। बाकी सारी सब्जियां भी आपको बारीक ही करनी है, आपके पास बीन्स हो वो ले लें, मशरूम डाल सकते हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 3/4 टीस्पून मैंने चीनी ली है, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च अपने जायके के हिसाब से ले लीजिए, सिरका है और 2 टेबलस्पून मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, ग्रीन चिली सॉस है, अगर आपके पास रेड है तो आप रेड भी ले सकते हैं। अभी मैंने पैनासोनिक का राइस कुकर लिया है, इसमें एक बटन होता है, ये ऑन और ऑफ इसी से होता है। जब हम कुक करते हैं तो ये कुकिंग वाले उस पर आ जाता है, और जब हमारा कुक हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, तो ये वार्म वाले बटन पे आ जाता है, यानी कि ये ऑफ है और ऊपर वाला ऑन बटन है, लेकिन इसमें लिखा है कीप वार्म और कुकिंग, और इसमें खाना जो है 2 से 3 घंटे गर्म रहता है। अंतर आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट है। अब इसके साथ ये बोल है, मैं इसमें ये बोल रख रही हूँ, इसमें जाके ये फिट हो जाता है। मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया है, अब मैं इस पे अभी कीप वार्म पे आपको लाल बटन दिख रहा है, अब मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये कुकिंग वाले पे आ गया है। अब हमारी कुकिंग स्टार्ट हो गई है, इसको आप बटर में, घी में, किसी में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ, शुरू में थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसमें तैयार करेंगे। थोड़ा सा गर्म होने में जो टाइम लगता है पैन को, उसी तरह इसमें भी लगेगा। घी पिघल चुका है, अब इसमें हम हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डालेंगे। तो इसमें हमने तीनों चीजें डाल दी हैं, 1 मिनट इसको हम सॉटे करेंगे ताकि पूरा फ्लेवर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घी में आ जाए। मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी पहले समझा देती हूँ। बीच बीच में क्या होता है, जब इसमें कोई पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है या कोई भी लिक्विड नहीं रहता है तो ये ऑफ हो जाता है, अपना आप ऑटोमेटिकली कीप वार्म पे चला जाएगा। और अगर अपने आप ये ऑफ हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर दोबारा से बटन दबा दें तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑफ हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, ये ऑटोमेटिक है। इसकी टेक्नोलॉजी राइस कुकर राइस के हिसाब से काम करती है कि जितना हम पानी डालेंगे राइस में उतना पानी सुखा के ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमें अगर कोई ग्रेवी वाली चीज बनानी है तो उसमें तो ये ऑफ होगा नहीं, जब तक उसका ग्रेवी सूख नहीं जाता तब तक ये ऑफ नहीं होगा। इसलिए हमें खुद अपना ध्यान रखते हुए उसको ऑफ करना होता है कि अंदाजे से हमारी ग्रेवी कितनी देर में तैयार हो गई है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, के बाद हमें इसको मैन्युअली ऑफ करना पड़ता है। तो इसकी ये टेक्नोलॉजी है। तो ये अच्छे से भुन गया है, आप देखें अच्छे से कड़क रहा है। अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को भी 1 मिनट भूनेंगे। कोई भी चीज़ हमें ब्राउन नहीं करनी है, कलर नहीं चेंज होना है, हल्का सा सॉटे करना है। सूप में जो है हल्का सा क्रंची क्रिस्पी रहती हैं सब्जियां भी। राइस कुकर में 10 से 15 मिनट में आराम से कुक हो जाएगा, जैसे नॉर्मली आप कुक करते हैं इसी तरह इसमें भी कुक हो जाता है। अगर आप नॉर्मल यूटेंसिल में बनाना चाहते हैं किसी भगोने में तो आप यही प्रोसीजर अपनाइएगा। ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, इसको हमें जब कुक हो जाएगा अपने आप इसको ऑफ करना होगा। 1 मिनट इसको भून लेते हैं, 1 मिनट हुआ है और ये अपने आप ऑफ हो गया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसमें पानी आपको डाल के दिखाती हूँ, उसके बाद ऑन करूंगी। 2-3 चम्मच डालते हैं बस, और अब ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया है, अब मैं आपको पास करके इसको इसका कुकिंग प्रोसेस दिखा देती हूँ। बस बीच बीच में आपको ऐसे ही करना है, 2 मिनट वेट कर लेना, जब ये ऑफ हो जाए 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ऑन कर लीजिए। एकदम से ऑन नहीं हो पाता है ये। तो अब ये भुन गया है प्याज भी, अब इसमें सारे वेजिटेबल्स हम डाल देते हैं एक साथ, सिर्फ स्प्रिंग अनियन का ग्रीन छोड़ देंगे। सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, इनको हम सॉटे करेंगे 1 से 2 मिनट सॉटे करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहिएगा, धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुकिंग प्रोसेस जल्दी होने लगेगा। मैं आपको 2 से 3 मिनट में दिखाती हूँ। तो सब्जियाँ मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से सॉटे कर लिए हैं, अब देखिए ऑफ हो गया है, इतनी देर नहीं हुआ, अब ये दोबारा से ऑफ हो गया। अब इसको 2 मिनट बाद मैं ऑन करूंगी, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं कि ये ऑन नहीं हो रहा है, 2 मिनट बाद ये हो जाएगा। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ, 5 कप मैं पानी डालूंगी, अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ कि 5 कप लगेंगे इसमें। 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं तो सबके हिसाब से 1-1 कप, तो 5.5 कप मैं डालूंगी, तो आधा कप जो है बनाने में सूख जाएगा। मैंने ऑन किया है तो ये ऑन हो गया, अब ये चलता रहेगा। तो मैंने 5.5 कप इसमें पानी डाल दिया है, इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है मैं डाल देती हूँ। चीनी, चीनी जो है सारे जो स्वाद है उसको बैलेंस करेगा, स्वीटनेस सारनेस सबको बैलेंस कर देगा, इसलिए हमने डाला है, वैसे ऑप्शनल है। नमक, काली मिर्च, सोया सॉस,
मैंने राइस कुकर की बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है, मैंने उसमें ब्राउनी बनाकर डाला है, बिरयानी है, तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, राइस कुकर की अलग से है और चावल कैसे इसमें बनाना है। तो अब इसको बॉईल आने देते हैं, मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। 1 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस डाली है, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। स्वीटनेस और सारनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं, बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल इसके मसाले दिखाए हैं, सिर्फ एक किनारे रह गया था तो अब मैंने डाल दिया है, बॉयल का वेट करते हैं। अब आप देखें कि इसमें बॉयल आ गया है। मैं आपको एक और चीज के बारे में बता देती हूँ, ये इसके साथ बास्केट मिली है स्टीमिंग के लिए, इसमें इस तरह के छेद होते हैं, आपको कुछ भी स्टीम करना है आप इसमें रख दिए, दो काम एक साथ हो जाएंगे। किसी के ऊपर इडली का मोल रख, सब्जियां इस पे रख दें वो स्टीम हो जाएंगी, आपको चिकन पकाना हो या उसको बॉयल करना है तो आप इसमें फॉइल लगा दें और उस फॉइल पे आप चिकन रख दें, तो उस तरह से आपका चिकन भी 15 से 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। नीचे अगर चावल आप पका रहे हैं तो ऊपर आप कई सारी चीजें एक साथ बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टीमर भी है, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो फिलहाल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं हटा देती हूँ, सिर्फ आपको बताना था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए राइस कुकर के बारे में। अब मैं इसको ढक के टाइम देख के 10 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं अच्छा से बॉयल आ रहा है, अभी इसको फर्दर 5 मिनट और पकाएंगे। राइस कुकर में आप कुछ भी पका सकते हैं, बस आपको पानी का ध्यान रखना है। आप देखिए अब इसमें पानी है तो ये ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑफ नहीं होगा जब तक इसमें पानी है, पानी के हिसाब से राइस कुकर काम करता है। तो अब मैं दोबारा से 5 मिनट के लिए और ढक देती हूँ, फिर मैं आपको सूप की कंडीशन दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, अब देख लेते हैं, आप देखिए कितना बढ़िया सा तैयार हो चुका है। मैं एक बार स्टर कर देती हूँ उसको। आप इस स्टेज पे नमक, चीनी, जो स्पाइसेस हमने डाले उनको टेस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें मैं स्प्रिंग अनियन डाल देती हूँ, जो मैंने आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था उसमें पानी डाल के मैंने घोल की तरह तैयार कर लिया है। अब धीरे धीरे चलाते हुए इसको हम डालेंगे, अगर आप चलाएंगे नहीं तो इसमें गांठे तैयार हो जाएंगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, देखेंगे जितना गाढ़ा हो जाता है उसके बाद हम रोक देंगे, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अब बाकी भी मैं डाल रही हूँ, सारा डाल दिया है मैंने, उसको स्टर कर देते हैं। 2 मिनट इसको हम और कुक कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी कितनी कंसिस्टेंसी आई है, उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे और ढक देते हैं। अब आप देखिए कि हमको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ गई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है ना, इसी तरह से होना चाहिए। तो बस अब इसको हम सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड क्रूटॉन्स तैयार कर रहे हैं, हल्का सा घी डाल के और इस तरह से क्यूब करके इसको हल्के हल्के लो फ्लेम पे स्टर कर रहे हैं और ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, व्हाइट नहीं लिया, आप व्हाइट में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना लजीज हमारा सूप तैयार हो गया है, हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप। अभी मैंने टेस्ट किया है, बहुत जबरदस्त बना है, बच्चे तो लेके निकल लिए और मैंने कहा थोड़ा सा रहने दो भाई, शूट करना है अभी और थंबनेल तैयार करना है, तो इतना बचा है अभी। राइस कुकर में बनाना बहुत ही आसान है, राइस कुकर की सारी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैला सस्तर खान।